हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। मुझे बहुत सारे डीएम आए थे और मैंने एक चीज़ नोटिस की, मतलब हर कोई अपने चैनल के एल्गोरिदम को एनालाइज करता है और देखता है कि उसकी ऑडियंस ज़्यादा मेल है फीमेल है, और मेरी 80% ऑडियंस फीमेल है, 20% मेल है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे कि यार यशस्वी ब्रा कौन सी पहनी, किस तरह की पहने। एक पहले मैंने वीडियो बनाई है लेकिन उसको बहुत टाइम हो चुका और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और बनानी चाहिए, और ये वीडियो भी ब्रा के ऊपर ही है, ब्रा के ऊपर, पैंटीज के ऊपर, मतलब जो भी इनर वेयर होते हैं कि अगर आपको बैकलेस पहनना है तो उस पर किस तरह के आप कपड़ा पहन सकते हो, ट्यूब ब्रा में क्या डिफरेंस होता है, या फिर टी शर्ट ब्रा क्या होती है, स्पोर्ट्स ब्रा क्या होती है। अगर आपको कोई ड्रेस पहनी है जो पूरी पीछे से बैकलेस है तो आपको समझ आ जाएगा उसके नीचे कौन सी ब्रा पहननी चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, मैं सबसे पहले दिखाती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ, ये जितनी भी ब्रा है मैंने शायवे से खरीदी है, पूरा मैंने बॉक्स मंगवाया है शायवे से ही, और मैं ज्यादातर ब्रा और पैंटी ये सारी चीजें शायवे की पहनती हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है पहली चीज, और ये काफी टाइम चलती है। मतलब मैंने ये लगा लो 1.5 साल पहले खरीदी थी, और जो ब्रा मैंने 1.5 साल पहले खरीदी थी अगर आप उसको अच्छे से वॉश करो, वॉश ऐसे नहीं करना पापा के कच्चे बनियान धो रहे हैं सब कुछ उसी में, वॉशिंग मशीन में आपकी ब्रा भी घूम रही है। आपको टी शर्ट ब्रा से दिखाती हूँ। टी शर्ट ब्रा ऐसी होती है जैसे अगर मुझे इस तरह की टी शर्ट पहनी है जिसमें मुझे नहीं चाहिए कोई भी ऐसी लाइन आए, या फिर काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वायर वाली उनको पहनना नहीं पसंद होता, कई सारे लोग पता नहीं ऐसे ऐसे मित्र रखते हैं कि उससे कैंसर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे इस तरह की टी शर्ट ब्रा ही अच्छी लगती है, और मुझे कलर्स भी ऐसे लाइट लाइट से ही पसंद है, मतलब मुझे वो छटकीले लाल काले ये सब रंग नहीं बिल्कुल भी पसंद, बस जितनी भी ब्रा है सारे इसी कलर की है। एंड मेरा साइज है 32B। अगर आप मेरी तरह दिखने में और आपको नहीं समझ आता कि आपको किस तरह का ब्रा का साइज भी लेना है तो शायवे की उस पर आपको दिख भी जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे इंचज वगैरह में वो आप मेजर करके उस पे चेक कर सकते हो कि आपका ब्रा साइज क्या है। मुझे यहीं से पता चला था मेरा ब्रा साइज क्या है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे ये था 34, मैंने कि मेरा क्या था, मैं भूल गई, एक सेकंड, मेरा 34B है। मैंने पहले 32 बोला था, 32 ही है आपका, मैं थप्पड़ मार दूंगी। 32 मेरा है, 32 ही आपका भी है, 32B हम दोनों का साइज है। तो ये है हमारी पहली ब्रा, और मैंने ये अभी मंगवाई है सारी, मतलब मैंने 1.5 साल पहले मंगवाई थी, उसके बाद अब मंगवाई है, यार इतने इतने साल चल जाते, कुछ जोड़ती नहीं पड़ती। अगर आप इसको जूम से देखोगे इसका पैड इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना कंफर्टेबल है, अगर आप रनिंग कर रहे हो, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, इनफैक्ट मैं इसको कई बार जिम में भी पहन लेती हूँ तो मुझे ऐसे कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगती। वैसे जिम के लिए मैं अगर सजेस्ट करूँ तो स्पोर्ट्स ब्रा बिल्कुल ठीक होती है, बिकॉज उससे आपका जो आपका ब्रेस्ट एरिया है उसको सपोर्ट मिलता है अच्छे से, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है स्पोर्ट्स ब्रा अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी टाइप करो। बट अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो तो उसके लिए बिना वायर वाली बिल्कुल अच्छी रहेंगी इस तरह की ब्रा। एंड मैं इन सबका प्राइस वगैरह डाल दूंगी तो आप वहां से चेक कर लेना। अगर मैं इस ब्रा की क्वालिटी को मार्क्स दूं, ये 515 है और आई लाइक इट, ये ब्रा को क्यों किससे भर रही हूँ भाई। ये देखो, ये भी टी शर्ट ब्राई है, मैंने बोला ना मैं सारे कलर्स ऐसे ही पहनती हूँ, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा सा शेप देख रहे हो, रुक जाओ, इसकी थोड़ी सी शेप अलग है, लेकिन मैं प्रेफर ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ जिसके नीचे वायर ना लगी हो, नहीं तो मतलब मैं, मेरे साथ ऐसा होता है मैं 3-4 घंटे से ऊपर अगर पहन लूँ वायर वाली तो मेरे दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं वायर वाली नहीं पहनती, विदाउट वायर पहनती हूँ और पैडेड ब्रा पहनती हूँ। और ना शायवे पे ऑफर भी है, मैंने सारा ऑफर से ही मंगवाया है, जैसे 899 में 3 ब्रा मिल जाएंगी, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 3 ब्रा कौन कौन सी है वो अलग अलग, जो 899 की कैटेगरी के, और दूसरा है 1199 है ना, हाँ दूसरा है 1199 की कैटेगरी, उसमें मतलब उनमें थोड़ी सी अलग क्वालिटी के, इसमें अलग है, वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन 899 में थ्री ब्राज मिलनी, वेरी वाओ नाइस। अब आती है स्पोर्ट्स ब्रा पे ना, मेरे को ऐसा चाहिए, पैडेड वाली नहीं चाहिए थी भाई मेरे को स्पोर्ट्स ब्रा, क्योंकि मैं ना बहुत ऐसा धम बिछा बिछा सा लगता था मेरा, और जब भी मैं जिम वगैरह जाती थी मेरे को चाहिए था कि थोड़ी नॉन पैडेड वाली हो, तो मैंने मंगवाई है। अगर आपको जिम वगैरह जाना हो, रनिंग करनी हो, धूम है ना ये, ठीक है, तो आपके लिए स्पोर्ट्स ब्रा एकदम परफेक्ट रहेगी। एंड ये है मेरी स्पोर्ट्स ब्रा, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसीलिए अभी मंगवाई क्योंकि पहली वाली मैंने ब्लू कलर की मंगवाई थी, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी, अभी तक वो चली। अब ये साइज पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आप इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं, लेकिन मैं तो हूँ तो आई लाइक इट, एंड इसको मैं अभी जिम में पहनूंगी जल्दी से जल्दी। ओके, तो स्पोर्ट्स ब्रा मैंने आपको बता दी, टी शर्ट ब्रा बता दी, अब मैं आपको एक इस तरह की ब्रा बताती हूँ जिसमें आपको पैडेड भी नहीं चाहिए होता आगे की, इतनी ज़्यादा पैडिंग ना लगी हो, क्योंकि काफ़ी सारी क्या होती है जैसे अगर हम बैकलेस ड्रेसेस पहन रहे हैं तो बहुत सारे ड्रेसेस में ऑलरेडी पैड लगे होते हैं, आप उसमें ऑलरेडी पैडेड ब्रा पहनेंगे तो बहुत अजीब लगेगा, तो इसीलिए मैंने एक ब्रा, रुक जाओ,
ये गुनगुन पहनती है ना, ये मेरी सारी ब्राइज ने खराब कर दी। अच्छा ये एक ब्रा है ये वाली, अब आपको लग रहा होगा तो बिल्कुल कैजुअल सी, कैजुअल फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, ऐसी वाली नहीं है। इसके पीछे सबसे बेस्ट चीज है ये कि अगर आपको बैकलेस ड्रेसेस पहननी है, स्टिल आपको स्टिकॉन्स वगैरह नहीं लगाने, मैं स्टिकॉन्स के बारे में भी बताऊंगी, बट अगर आपको स्टिकॉन्स नहीं लगाने तो आप इस तरह की ब्रा पहन सकते हो जिसके आगे कोई भी पैडिंग नहीं होगी, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही मंगाना। एंड कलर मुझे इस तरह की पसंद है तो मैंने इसीलिए ये लिए। एंड पीछे से ऐसे स्ट्रैप वाली होगी, मतलब ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप होगी, अगर आप बहुत पास से देखोगे तो ये विजिबल होती है, वरना इतनी हाईलाइट भी नहीं होती एंड बहुत कंफर्टेबल है। और मैं इन सबके लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से चेक कर लेना, अगर सेम मिल जाए तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं मिले तो वो भी आप देख लेना। तो सबकी पसंद अलग होती है, किसी किसी को मतलब नॉन वायर्ड पसंद होती है, किसी किसी को वायर्ड पसंद होती है, तो मैं वायर्ड में भी मैंने मंगवाई है क्योंकि कभी कभी तो जरूरत पड़ ही जाती है यार। तो वायर्ड में मैंने नेक्स्ट ब्रा मंगवाई है, ये वाली ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो कलर मैंने सारे ऐसे लाइट लाइट से मंगवाए हैं। ये भी कंफर्टेबल होती है लेकिन पर्सनली जब मैं 3-4 घंटे ज़्यादा पहन लूँ तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगने लग जाता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया शायद अभी कि जो आप देखोगे ना वायर, क्योंकि वायर बिल्कुल भी मुड़ती ही नहीं है, लेकिन इसकी फिर भी फ्लेक्सिबल है थोड़ी सी, तो आप इजीली इसको पहन सकते हो। यार क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, पैड भी इसके अच्छे हैं, कैसे पहनने के बाद शेप वेप भी नहीं बनती है। इस तरह की ब्रा भी आप पहन सकते हो अगर आपको पुशअप ब्रा पहननी पसंद है तो। पुशअप में मैंने एक और मंगवाई है, ये भी वायर है तो मैं दिखा दूँ। अरे यार मैं कुछ और मंगा रही थी गलती से आ गई। यही मंगा रही थी आप एग्जाम। मैं नहीं मंगा रही थी। अरे यार मतलब मुझे ना पिक्चर में थोड़ी सी अलग लगी, लेकिन द क्वालिटी इज रियली वेरी वेरी नाइस। दिस इज द ब्रा, मतलब मैं ना ऐसी लेस वाली ब्रा कभी नहीं पहनी यार, जिसमें लेस नहीं है। अरे ये देख रहा है, ऐसे नेट वेट वाली ब्रा मुझे पहननी पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, पसंद है ऐसी वाली ब्रा। तो मंगवाई क्यों झूठी, सबके आगे झूठ बोल रहे, तुझे बहुत पसंद है मुझे पता है, मुझे भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है, है तो। ये थी हमारी नेक्स्ट ब्रा, इसकी क्वालिटी आपने देख ही लिया, आगे इस तरह का नेटवर्क है, ये मतलब सबकी प्रेफरेंस पे मैटर करता है, किसी किसी को बिल्कुल सिंपल से दिखने वाली पसंद है, किसी किसी को चटकीली पसंद है। ये आई गेस रेगुलर बेसिस के लिए नहीं है, ये स्पेशल इवेंट्स के लिए है। क्योंकि अभी जब अमिताभ बच्चन आएगा तो बैठ ही जाएंगे। अरे मतलब अब यार तुम खरीदो, तुम अपने आप देखो कौन से इवेंट पे पहने। अब तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हें जिम में जाना है तो तुम खाली ये तो पहन के नहीं जाओगे, तुम ये पहन के जाओगे ना। और तुम्हें अगर मान लो कहीं हनीमून पे कहीं जाना है तो तुम ये तो पहन के नहीं जाओगे, तुम ये भी नहीं पहन के जाओगे, तुम्हें वो देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, इंसान ठीक है। अब कभी कभी स्टिल आपने ऐसी ड्रेसेस पहनी है जो बहुत ज्यादा बैकलेस है और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए आते हैं ये स्टिकॉन्स। स्टिकॉन्स क्या होते हैं कि आप ये निपल पेस्ट्रीज होती है, यू हैव टू पुट इट ऑन योर निपल्स, इसको आप ऐसे करके लगा सकते हो अपने निपल एरिया पे और स्टिक हो जाते हैं। अब आप सोचो कि उतर तो नहीं जाते या फिर कंफर्टेबल रहते हैं नहीं रहते, तो ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब अगर आप वाइट कलर की ड्रेसेस भी पहन रहे हो, कैसी भी ड्रेसेस पहन रहे हो, उसके नीचे भी बिल्कुल भी नहीं शो होते, पसीना आने के बाद भी नहीं उतरते। और ये वन टाइम यूज़ नहीं है, मैं मतलब इसको ये लगा लो 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो अभी तक ये चल रहा है बहुत अच्छे से। यूज़ करने के बाद मैं इसको आपस में ऐसे लगा के रख देती हूँ, तो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर ब्रा नहीं चाहिए तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह की ना ब्रा भी आती है, तो हो गई निपल पेस्टीज बट ब्रा भी आती है प्रॉपर, मेरे पास ब्रा भी है, मैं फोटो लगा लूँगी उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी तो बेटा मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाई है, ऐसी ऐसी आइटम्स है ना, आइटम तुम देखोगे मजा आ जाएगा, रुक जा। उसके बाद मंगवाई थी मैंने एक और ऐसी ब्रा, मतलब एक तो ये वाली जो मैंने आपको दिखाई ये बिल्कुल पैडलेस थी, मतलब जिसमें पैड ही नहीं थे, लेकिन पीछे से ऐसी वाली थी जो आपको ब्रेकलेस ड्रेसेस में काम करती है। अब ये मैंने मंगवाई है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे बिगनर्स ब्रा होती है या फिर बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते पैडेड में, तो वो इस तरह की नॉन पैडेड ब्रा में जा सकते हैं जो कि कॉटन के कपड़े की होती है, बहुत अच्छी होती है पहनने में एंड कंफर्टेबल भी होती है। मतलब अगर आप घर पे हो, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि बहुत पैड वगैरह हो या वायर वगैरह हो, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। मैंने सारा ही सब कुछ जितना भी सामान मंगाया सारा ऑफर में ही मंगाया, तो आप चेक कर लेना जरूर। और कोई भी ऐसी ब्रा मत मंगाना, मान लो अगर 899 की आप एक ही ब्रा मंगाओ और उस पर ऑफर ना लगे, तो चेक करना, ऑफर अप्लाइड लिखाना चाहिए जब आप चेकआउट कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो दो पैंटीज ये वाली आई है फ्री में, ऑलवेज प्रेफर दीज काइंड ऑफ पैंटीज एंड इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्लस इनका कपड़ा भी अच्छा होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वजाइनल प्रॉब्लम या कोई भी, तो आई रिकमेंड कि इसी तरह की पैंटीज मंगाया करो। हमारा ब्रा एक्सटेंडेड, ये मैं एक्सटेंडेड, अब आप एक्सटेंडर, एक्सटेंडेड, डर नहीं डर,
मैं डर रही हूँ ऐसे बोलते हो, मैं डर रही हूँ बोलते हो ना, एक्सटेंडर एक्सटेंडर ठीक है. ब्रा बहुत पसंद आ रही थी और वाह कितनी अच्छी सी ब्रा है और बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन वो पीछे से आपको टाइट हो जाती है और आपको ये समझ नहीं आता कि वो बंद नहीं होता उसका हुक, और अगर हो जाता तो आप ऐसे फंसे फंसे से रहते हो. तो उसके लिए हेल्प, फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइट हो गई है जो कि हुई भी नहीं है, ठीक है. अब ये जो चीज़ है ना, मैं इस पे इसको लगा लूँगी, अब इस पे लगा लिया और अब मैं इस वाली को, ये वाली जो दूसरा वाला इसका एंड है, इससे इसमें फिक्स कर लूँगी. तो आप देख रहे हो ये अब आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे ही कर दिया. ये इस तरह से इसको और स्पेस मिल जाता है. ये अगर आप देखोगे स्ट्रेचेबल भी है. फैशन टेप भाई, इनकी क्वालिटी, अगर आपको कहीं से भी फैशन टेप खरीदनी हो गो फॉर शाय अवे. मैंने बाकी ब्रांड का अभी तक यूज़ नहीं किया, मैंने पहले भी इसका एक ऐसे डब्बा मंगवाया था, पूरा यूज़ कर लिया और अब नेक्स्ट मंगवाया है. इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, कई बार आप ऐसे देखते ना इस तरह की ड्रेसेज होती है जिसमें अंदर स्टिकॉन्स तो लगाए होते हैं लेकिन उनका गला बहुत लंबा होता है, अब वो अगर टेप नहीं लगाएगी तो वो उड़ता रहेगा कपड़ा, उसको बचाने के लिए होती है. और टेप वो वाली नहीं, डबल टेप लगा दो. फैशन टेप कपड़ों की अलग ही आती है. ये निकाला है यहाँ से, ऐसे ये देख रहे हो ये टेप चिपक गई. तो जैसे टॉप होते हैं जिसके आर्म होल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और अगर हम ब्रा पहनते हैं तो उसकी स्ट्रैप पूरी विजिबल होती है, तो अगर आप पीछे इसको इस तरह से लगा लोगे तो ये पीछे से आपकी स्ट्रैप जो होगी हाइड हो जाएगी और दिखेंगी भी नहीं, और आप कंफर्टेबली वाओ बोलना नहीं आ रहा पर कंफर्टेबल है, तो आप इसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो और इसको लगा सकते हो. ये सारी चीज़ें बहुत इनएक्सपेंसिव है तो आप आराम से खरीद सकते हो. मैंने यही सारी शॉपिंग की और मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा किस ड्रेस के नीचे किस तरह की ब्रा जाएगी या किस इवेंट पे किस तरह की ब्रा पहननी चाहिए. सो या गुलीज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए. मुझे बताना अगर आपको किसी और वीडियो भी चाहिए, मैं किसी और का भी हॉल लेके आऊँ. ये तो मैंने ऐसी मंगाई थी तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ इस पर वीडियो. सो या गुलीज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए. लव यू सो मच, बाय.